नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, राजौरी में आज मातम छाया रहा, बंद की काल थी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भाजपा नेता के घर में ग्रेनेड थ्रो किया गया, 2 साल के बच्चे की मौत होगी, जिसको हम शहादत भी कह सकते हैं, और परिवार के कुछ सदस्य घायल भी हो गए, जिनमें से कुछ क्रिटिकल हैं, उनको एयरलिफ्ट भी किया गया है। लेकिन कुल मिलाकर के लोगों में रोष था। काफ़ी लंबे समय से आतंकवाद, ये कहा जा सकता है कि जम्मू प्रोविंस में आतंकवाद निष्क्रिय हो चुका है, लेकिन एक पर्टिकुलर घर में ग्रेनेड दागना अपने आप में एक चीज़ को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स था। और इसी को लेकर के आज लोगों में रोष था, लोगों ने बंद की काल दी थी और बंद पूर्ण रूप से सफल रहा। लेकिन आपको बताते चले कि डिवकॉम ADG आला अधिकारियों ने वहां पर पहुंच करके लोगों से बातचीत की और कहा कि जो स्वतंत्रता दिवस है, जो इंडिपेंडेंस डे है, उसके मद्देनजर प्रोटेस्ट ना करें, और आश्वस्त किया कि जो आतंकवादी जिन्होंने हमला किया है उनको जल्द से जल्द तलाश करके पकड़ लिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, न्यूट्रलाइज भी किया जाएगा अगर वो किसी तरीके की कार्रवाई करते हैं। दर्शकों, वहीं भाजपा नेताओं को लगातार टारगेट बनाया जा रहा है और कांग्रेस को एक मौका मिल गया है। कांग्रेस ने आज बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि केंद्र सरकार बार बार ये दावा करती है कि आतंकवाद को खत्म कर दिया जा चुका है, आतंकवाद की कमर तोड़ी जा रही है, लेकिन लगातार किलिंग्स हो रही हैं और आतंकी वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है। ये कांग्रेस का आरोप है और कांग्रेस ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि क्या आतंकवाद कम हो रहा है, कमर टूट रही है या फैल रही है। माननीय रमन भल्ला, मनमोहन सिंह जी हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, और अभी अशोक शर्मा जी साहब का MLA हमारे कालाकोट के, वो ज्वाइन करने वाले हैं। कल रात को एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई। एक 2 साल का देश के गृह मंत्री और देश की सरकार को जवाब देना चाहिए कि आप तो कहते थे आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, आतंकवाद का खात्मा कर देंगे, लेकिन 2014 आपने तमाम तजर्बे कर लिए, PDP के साथ सरकार ही बना के देख ली, उसके बाद तोड़ के भी देख ली, गवर्नर रूल भी 3.5 साल से है और 2 साल से डायरेक्ट सेंट्रल रूल ही होता है गवर्नर रूल, लेकिन ये तो डायरेक्ट ड्यूटी है लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे रूल कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज का सारा इंतजाम और कंट्रोल गृह मंत्रालय के पास है और उसके बाद इस तरह की वारदातें जम्मू में भी प्रेजेंस दिखाई देती है। दर्शकों, हमने इस बाबत रक्षा विशेषज्ञों से बातचीत की, SS पठानिया हो, चाहे VK साही हो या करण मल्होत्रा हो, इन तीनों का ये अपनी अपनी राय है। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं आतंकवादी बौखलाहट में है, पाकिस्तान के दबाव में है कि आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जाए, क्योंकि लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस आतंकवादियों को लगातार न्यूट्रलाइज करते जा रहे हैं, यानी आतंकवाद को ख़त्म करते हुए एक मैसेज पाकिस्तान की तरफ से मिलिटेंट्स आउटफिट को जा रहा है कि आप कोई सी बड़ी वारदात को अंजाम दें। और दूसरा बड़ी बात यह रहती है कि आतंकियों की ये स्ट्रेटेजी रहती है कि 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, इस दौरान किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाए, शायद यही एक बौखलाहट का कारण है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजी को दोबारा यूज़ कर रहा है और स्ट्रेटेजी है कि 15 अगस्त के आसपास वो जितने भी इंसिडेंट कर सकता है मिलिटेंसी रिलेटेड उनको अंजाम दे, ताकि नंबर वन उसके जो डोमेस्टिक ऑडियंस हैं वो खुश रहें कि पाकिस्तान अभी भी कश्मीर कॉज को सपोर्ट कर रहा है, एंड दूसरा उसका मुद्दा है टू इंटरनेशनलाइज द कश्मीर इशू।
हमेशा की तरह इस बार भी पिछले कुछ दिनों में आतंकवाद की घटनाओं में वृद्धि आई है। पुलिस, सिलेक्टिव किलिंग्स और सबसे जो बुरी चीज़ हुई है कि कल रात राजौरी में उन्होंने बीजेपी के एक लीडर के घर में एक्सप्लोजन किया और जिससे मासूम बच्चे की जान चली गई और तकरीबन 8 लोग इंजर्ड हो गए। तो ये एक बहुत ही कायराना और निर्मम किस्म की अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स, अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी एक्ट है जिसकी हम कंडेम करते हैं। जिसको अभी आपने ये भी देखा होगा कि ड्रोन अटैक से लेके उनका जो अभी इन्फ्लुएंस है वो जम्मू रीजन में बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अभी पिछले 3-4 महीनों से अगर आपने नोट किया है तो पाकिस्तान के ऊपर काफी दबाव बना हुआ है, जिसकी वजह से वो अपने टेररिस्ट ग्रुप को जो है वो आगे नहीं भेज सक रहे और ना ही वो ज्यादा कामयाब हो रहे हैं। पर फिर भी छोटी छोटी घटनाएं, जैसे आपने देखा कि सांबा एरिया में ग्रेनेड फेंक दिया या पुलवामा जैसी एक बड़ी हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से, क्योंकि आप देखें 15 अगस्त आ रही है और पाकिस्तान डेफिनेटली चाहेगा कि उनके जो स्प्लिंटर ग्रुप, जो टेरर ग्रुप्स हैं, जो उन्होंने अपने टेरर छोड़ रखे हैं, वो कोई ना कोई ऐसी चीज करें जिससे कि एक बड़ी वारदात बने। पर हमारे जो रक्षा संबंधी लोग हैं, यानी हमारा BSF जो है, हमारी आर्मी है, हमारी CRPF है, वो इस वक्त बहुत ज्यादा विजिलेंट पर हैं, अलर्ट पर हैं, ताकि कोई भी ऐसी हरकत या वारदात ना हो जो कि एक इंटरनेशनल या नेशनल इशू बन सके। पर पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है कि वो यही कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से कहीं ग्रेनेड अटैक, कहीं छोटा पुटा CRPF की छोटी टुकड़ी पर अटैक कर रहा है, ताकि वो लोग अपने आप को खबरों में रखें और 15 अगस्त से पहले पहले कोई ना कोई ऐसी वारदात करें जो कि दर्शकों। रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क है, उनको पता है कि राष्ट्रीय पर्व है, चप्पे चप्पे में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है, एजेंसीज अपने अपने इनपुट्स एक दूसरे के साथ शेयर कर रही हैं और जो आतंकवादी किसी भी वारदात को अंजाम देने का प्रयास भी करेंगे तो सुरक्षा बल उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। आज ही के दिन देश आजाद हुआ और मुझे याद है हम स्कूलों में थे जबकि छोटे छोटे तिरंगे हमारे हाथ में देकर हमें मिठाई दी गई और हम भारत माता की जय के नारे लगाते पूरे कॉलोनी में गुजरते गए। कितना हर्षोल्लास था। पाकिस्तान हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, वो अपना आज़ादी का दिन 14 अगस्त को मनाते हैं और कई दिन कई साल हमारा आदान प्रदान मिठाइयों का और बधाइयों का होता रहा। फिर धीरे धीरे वहाँ पर फंडामेंटलिस्टिक विचारधारा पनपी, गणतंत्र डेमोक्रेसी तो वहाँ कभी जी नहीं पाई, फौजी हुक्मरान आ गए, उनका एजेंडा अलग ही था और पाकिस्तान एक पूर्णता इस्लामिक देश बन गया और अत्याचार शुरू कर दिए उन्होंने। 2 साल के मासूम वीर सिंह की हत्या, एक ऐसी निर्मम हत्या जिसे टेररिस्टों ने राजौरी में अंजाम दिया, उसके साथ उसके पूरे परिवार को भी लहूलुहान कर दिया। उस मासूम वीर सिंह का क्या कसूर था? सिर्फ एकमात्र कसूर कि उसने एक देशभक्त परिवार में जन्म लिया। आज हम सबको अपने आप को देखना होगा कि हम लोग आज इस मौत से कितने दुखी हैं। क्या हम सबको वो मासूम वीर सिंह अपने बच्चे की तरह नजर नहीं आता? सोचिए अगर वो हमारा खुद का बेटा हो तो। ये बात अगर आपके मन में आती है तो एक कमिटमेंट आज अपने आप से करने की जरूरत है कि वो एक निर्णायक युद्ध की तरफ बढ़ने की। अब वो वक्त आ गया कि इन कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टियों को जो पाकिस्तान के प्रोपोगंडे पर चलती हैं, इन्हें मुंह तोड़ जवाब जम्मू से जाए। दर्शकों, इस बाबत हमने भारतीय जनता पार्टी के महासचिव विबोध गुप्ता से बातचीत की, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को आतंकी निशाना बना रहे हैं
और सरकार या सुरक्षा एजेंसी उनको सिक्योरिटी फ्राहम कराने में नाकाम है। एक और जो अटैक हुआ है ये भी उसी की एक कड़ी है। दर्शकों, जैसे कि हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष जसबीर सिंह के आवास पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंका और जिसमें 3 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। भाजपा के कार्यकर्ताओं की सिलेक्टिव किलिंग की जा रही है और भाजपा की केंद्र में भी सरकार है और यूटी जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर भी भाजपा की सरकार है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं विबोध गुप्ता, जो फॉर्मर MLC भी हैं, और बड़ी बात यह है कि कश्मीर से इनका ज़्यादा ताल्लुक रहता है। पार्टी ने इनको कश्मीर में एक्टिविटीज़ बढ़ाने के लिए तैनात किया है और ये महासचिव भी है पार्टी। विभो जी, आपको नहीं लगता है कि सरकार पूरी तरह से असमर्थ हो गई है आतंकवाद पर काबू पाने के लिए? जैसे कश्मीर में किलिंग हो रही थी, अब आहिस्ता आहिस्ता जम्मू में भी किलिंग शुरू हो गई है। ये जो राजौरी में, जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, उसमें मंडल अध्यक्ष जसबीर सिंह के घर में हमला होना, ये अपने आप में एक चीज दर्शाता है कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियां या फिर सरकार असहाय और असमर्थ है। विनोद जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं आज निशब्द हूं, बोल नहीं पा रहा जी। मेरे राजौरी के अंदर 2 साल के एक मासूम बच्चे को शहीद कर दिया गया, और ये सब जिहाद के नाम पे कुछ लोग कर रहे हैं। अगर जिहाद के नाम पे कुछ लोग कर रहे हैं तो इसकी मुखालफत जो है वो पूरे तरीके से हर समाज के और हर वर्ग के लोगों को करनी चाहिए। जहाँ तक और पूरा समाज, पूरा जम्मू कश्मीर, पूरी भारतीय जनता पार्टी मंडल प्रधान और उनके परिवार के साथ खड़ी है। LG हमारे ऑनरेबल LG मनोज सिन्हा जी की भी बात जो है उस बच्चे के दादा के साथ हुई। अभी जो बाकी लोग सीरियस हैं उनको चॉपर के जरिए शिफ्ट किया जा रहा है। जहां तक आपने बात कही असहाय की या सिक्योरिटी फोर्सेस के फेलियर की, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी आपके साथ एग्री नहीं करता। देखिए, आतंकवाद आखिरी सांस ले रहा है। पाकिस्तान, जिसने 30 वर्षों से यहाँ पर आतंकवाद जो है आतंकवाद के जरिए यहाँ पर डिस्टर्बेंस उसने रखी, आज उस पाकिस्तान को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस 30 साल की मेहनत को ख़त्म किया जा रहा है, वो ख़त्म हो रही है और जम्मू कश्मीर और कश्मीर स्ट्रीमलाइन होता जा रहा है। जम्मू कश्मीर के युवा देश के साथ जुड़ते जा रहे हैं, भारत माता के साथ जुड़ते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के युवा इन 2 वर्षों के अंदर, चाहे कश्मीर हो, चाहे राजौरी हो, चाहे किश्तवाड़ हो, चाहे पुंछ हो, तिरंगा हाथ में लेकर भारत माता की जय के जय घोष लगा रहे हैं। इससे पाकिस्तान और आतंकवादियों और अलगाववादियों को ऐसा लगता है कि हमारा कहीं ना कहीं फेलियर है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आतंकवादी जो है वो इस किस्म की कारायना हरकत करके वो अपने आप प्रेजेंस दे रहे हैं, वो अपनी प्रेजेंस देने की, जैसे ड्रोन के आपने देखा कि ड्रोन जी। विभोजी, आप मुझसे एग्री नहीं है, मैं आपसे एग्री नहीं करता हूँ। आंकड़े कुछ और बताते हैं। BJP के कार्यकर्ता कश्मीर में बहुत ज्यादा मारे जा चुके हैं। परिहार बंधु, आपको याद होगा, वो भी जम्मू प्रोविंस में ही, किश्तवाड़ की बात कर रहा हूं मैं। और उसके बाद आप देखिए राजौरी में इतनी बड़ी प्रेजेंस कि वहां पर एक खास घर को टारगेट। मैं आपसे यही बात, आपकी बात पे ही आने वाला था कि 10 दिन पहले थन्ना मंडी में एक गांव है पंघाई, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चलता है कि वहां आतंकवादी आए हैं, वहां इनकाउंटर होता है, 2 आतंकवादी थे, दोनों को दोनों आतंकवादी मारे गए और उनसे बड़ा ही हथियार जो है उनके पोजेशन से जो है बरामद किया गया। रेगुलर सिक्योरिटी फोर्सेस राजौरी के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रही हैं। ये ठीक बात है कि कहीं ना कहीं जो कल हमला हुआ जसबीर के घर में, वो कहीं ना कहीं इनपुट्स शायद सिक्योरिटी फोर्सेस के पास नहीं थे, होने चाहिए थे। और जिस ढंग से 15 अगस्त को लेकर वो अपनी आतंकवादी और पाकिस्तान अपनी प्रेजेंस देना चाहता था, वो एक बड़ी न्यूज बनाना चाहता था, उसमें आतंकवादी जरूर एक 2 साल के बच्चे को कत्ल करके मार के उसकी शहादत से वो एक बड़ी न्यूज बनाने में जरूर कामयाब हुए हैं। और वो संगठन
जिसके दो आतंकवादी पंगाई के अंदर मारे गए, वो उन आतंकवादी संगठनों ने इसका जिम्मा कहीं ना कहीं कुछ सोशल मीडिया में, एक दो सोशल मीडिया में आया है, उनका जिम्मा उन्होंने अपने जिम्मे लिया है। राजौरी के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग सक्षम हैं, वो देश के साथ खड़े हैं, वो भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को और ख़ासकर राजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ के साथ साथ कश्मीर के लोगों को, आप लोग पाकिस्तानी या आतंकवादी कहीं वो कमज़ोर नहीं कर पाएंगे, इससे ताकत मिलेगी, इस दो साल के बच्चे की शहादत जो है वो काम आएगी। विभोज जी प्लीज़, विभोज जी मेरी बात सुनिए। विभोज जी, आपने भी काफ़ी लंबे समय से आतंकवाद देखा है, 89 से हम आतंकवाद देखते आ रहे हैं। जब ग्रेनेड थ्रो होता है, इट मींस कि लोकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। लोकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट होना ही अपने आप में एक बात की पुष्टि करता है कि कहीं ना कहीं बड़ा लैप्स हुआ है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, जो बात अभी आपने कही, जब राजौरी पुंछ के अंदर आतंकवाद 94, 92, 93, 95 तक चला, उस समय राजौरी पुंछ के लोकल लोगों की पूरी इन्वॉल्वमेंट थी और कहीं ना कहीं उसका भुगतान लोकल लोगों को करना पड़ा वहां पर। ठीक है, हिंदुओं के मैसेकर हुए उस दौर के अंदर, राजौरी शहर के अंदर भी बड़े बड़े ग्रेनेड अटैक हुए, उसमें भी हमारे लोग मारे गए, लेकिन वहां पर सोर्स के नाम के ऊपर, वहां पर वो जो मुस्लिम समाज के कुछ लोग जो हैं, वो उनको भी अटैक किया गया, वो लोग भी मारे गए और उन लोगों की भी माइग्रेशन हुई। उस कारण इन 25 वर्षों के अंदर, 20 वर्षों के अंदर लोकल लोगों ने अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं की। अगर इस समय कहीं ना कहीं ऐसी बात लगती है तो ये चिंता का विषय है, इसको सिक्योरिटी फोर्सेस को देखना चाहिए और तय करना चाहिए कि किस ढंग से हमें ये तय किया जाए। और उसमें आर्मी का भी एक बड़ा रोल जो है वो रहना चाहिए कि जिस ढंग से ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारत दर्शन होता था और हमारे युवाओं को जो है देश के अंदर लेके जाते थे, क्रिकेट के मैचेस होने हैं, इस सारे के अंदर हमारे युवाओं को जो है लगाने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। मैं ये ज़रूर आज आपके ज़रिए एक मैसेज देना चाहूँगा आतंकवादियों को कि ये शहादत, दो साल के बच्चे की आज जो शहादत हुई है, वो उनके कफन का आखिरी कील साबित होगी। वो आतंकवादी जो हैं, ये खैर मनाए आपने, एक एक आतंकवादी को चुन चुन कर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस मार रहे हैं और भी मारा जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जब जम्मू कश्मीर और पूरा देश जो है आज तिरंगे को लेकर पिछले 10-15-20 दिन से कार्यक्रम हो रहे हैं, उससे भी ये आतंकवादी परेशान हैं, उससे भी पाकिस्तान परेशान है कि कश्मीर के अंदर देखिए आप किस ढंग से तिरंगा हाथ में लेकर 5 अगस्त को वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सिविल सोसाइटी के लोगों ने बड़े बड़े कार्यक्रम किए। ये अपने आप में एक बड़ी चेंज है, इस चेंज को देश स्वागत कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस चेंज से बड़ा परेशान है कि उसकी 30 साल की मेहनत खत्म हो गई। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी कल हमारे यहाँ पर वो ग्रेनेड अटैक हुआ, उसकी एक सिट बननी चाहिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बननी चाहिए जिसके तहत इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जल्दी ही वो कल्प्रिट्स, वो किलर, वो मर्डरर जो है वो जो है उनको मार गिराना चाहिए। ये मैं कहना चाहूँगा। और अगर कहीं, भगवान ना करे, अगर कहीं लोकल इन्वॉल्वमेंट है, उसको भी सामने लाने की जरूरत। विभोज जी, आपको बताते चलूं कि आप कितनी सफाइयां देते रहेंगे। आप देख रहे हैं कि कश्मीर में सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, भाजपा से ताल्लुक रखने वाले 25 सरपंच हो, वीडीसी सदस्य हो, डीडीसी सदस्य हो, उनको टारगेट बनाया जा रहा है। और हम सब जानते हैं कि सॉफ्ट टारगेट रहते हैं भाजपा के लोग, लेकिन भाजपा के लोगों को ही सिक्योरिटी फराहम नहीं करवाई जा रही है। कहीं ना कहीं गलतियाँ तो हैं, आपको मानना पड़ेगा कि सरकार या सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से कई गलती होती है तो शायद तभी किलिंग होती है। मैं विनोद जी ये कहना चाहूँगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। इस इंसिडेंट के बाद, इस हादसे के बाद तो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर और ख़ासकर जो आज किश्तवाड़ की बात करें, राजौरी पुंछ, डोडा की बात करें और कश्मीर के अंदर जो हमारे कार्यकर्ता जो हैं, उन परिवारों को जो कि बड़े एक्टिव हैं, जिनके घरों से मंडल प्रधान से लेकर ऊपर तक की जो पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं, उनको सिक्योरिटी फराहम करनी चाहिए। सेंसिटिव जगह जितनी भी हैं उनके ऊपर CRPF और आर्मी की जो है, जो राजौरी पुंछ के अंदर उनकी जो पिकट्स थी, उनके जो कैंप थे, वो नाके थे, वो हटा दिए गए थे,
उनको उन सेंसिटिव जगह के ऊपर दोबारा से वहाँ पर जो है आर्मी और सीआरपीएफ की जो है वो पिकट्स जो है वो लगनी चाहिए, वो कैंप जो है वो लगने चाहिए। सिक्योरिटी को लेकर बड़ी एक चिंता है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का जोड़ा जो हमारा दिल्ली के अंदर बैठा हुआ हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, हम उनसे भी बात करेंगे, एलजी साहब से भी बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जल्दी से जल्दी जो है सिक्योरिटी दी जाए ताकि आतंकवादी अपनी इन कायराना हरकतों से बाज आ सके और वो कामयाब ना हो सके। विभोज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। दर्शकों, राजौरी के इस ग्रेनेड हमले की चौतरफा निंदा हो रही है। विश्व हिंदू परिषद ने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद इस घटना की निंदा की और साथ ही साथ सरकार को आगाह किया है कि जल्द से जल्द इसमें जो मुलव्वस लोग हैं उनको हिरासत में लिया जाए और सख्त सख्त कार्रवाई की। राजौरी के अंदर कल रात को जो एक घटना घटी करता एक नेता के घर में ग्रेनेड से हमला हुआ, बड़ा कार्यपूर्ण है और जिसमें दो जम्मू कश्मीर के अंदर एक शांति का वातावरण खड़ा हो गया है। आम समाज कश्मीर के अंदर हो, जम्मू के अंदर हो, एकदम से इस वातावरण में खुश रहना चाहता है, इस विकास से खुश रहना चाहता है। आज लाल चौक के अंदर तिरंगा लहरा रहा है, इस बात को ये कट्टरवादी और ये आतंकवादी पचा नहीं पा रहे हैं, इसी कारण से ये छोटी हरकतें कर रहे हैं। और हम लोग इस मंच से, विश्व हिंदू परिषद मंच से, एलजी साहब को और केंद्र सरकार को पुरजोर तरीके से ये कहना चाहते हैं कि इनके खिलाफ़ जो अभियान छेड़ा गया है, इनको जन्नत तक पहुंचाने का, जहन्नम तक पहुंचाने का जो एक अभियान उन्होंने छेड़ रखा है, इसको पुरजोर तरीके से जिन हूरों की बात करते हैं जिनके पास जाने का, ये उनके पास पहुँचाएँ। समाज आपके साथ है, आपका पूरा भारतवर्ष आपके साथ है, ये कार्यतापूर्ण हरकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। दर्शकों, हिंदू जागरण मंच ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधी सीधी चेतावनी आतंकवाद और सरकार आतंकवादियों और सरकार को दे दी है कि इस तरह की घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए। दम तोड़ चुका है और इतने कमांडर हैं वो मारे जा चुके हैं, अब इनको नई भर्ती के लिए भी लोग नहीं मिले। ये बताना चाहता है कि राजौरी के लोग अपने आप को अकेला ना समझें, पूरा जम्मू जो है पूरी तरह से राजौरी में, पुंछ में, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ के लोगों के साथ खड़ा है। आज आतंकवादी विचारधारा की लड़ाई को टेबल पर हार चुके हैं, लेकिन वो अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए ऐसी नीचतापूर्ण और ऐसी मूर्खतापूर्ण घटनाएं जो है वो कर रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग रहेगा, पाकिस्तान जितना मर्जी जोर लगा ले वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हिंदू जागरण मंच ऐसी किसी भी कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करता है और हम इस सरकार से अपेक्षा करते हैं कि बहुत जल्द सरकार जो है इन लोगों को पकड़ेगी और कड़े से कड़ी सजा देगी। दर्शकों, राष्ट्रीय बजरंग दल ने भी जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करने के बाद कहा कि कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी लैप्सेस उनको दूर किया जाना चाहिए और आतंकवाद का सर कुचलना चाहिए। पाकिस्तान हाय हाय, 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 पाकिस्तान। देखिए, जिस प्रकार से राजौरी के अंदर एक नापाक हरकत आतंकवादियों के द्वारा की गई है, 2 साल का मासूम बच्चा जो इस घटना का जो है शिकार हुआ है और वो शहीद हुआ है, जिसको जात पात का नहीं पता, जिसको धर्म का नहीं पता, जो केवल अपने माँ बाप की गोद को ही समझता है, उसके अलावा उसका संसार जो है वो माँ की गोद ही है। और लगातार पाकिस्तान जो है राजौरी, पुंछ, जम्मू और किश्तवाड़ को दहलाने की फिर से कोशिश कर रहा है। लगातार ड्रोन के द्वारा
वहां से हथियारों के जखीरे जो हैं वो बार पार पहुंचाए जा रहे हैं। लगातार हमारी पुलिस जो है उसके मंसूबों को नाकामयाब कर रही है, लेकिन अब हम केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि कब तक हम इनके पुतले और झंडे फूंकते रहेंगे। अब तो केंद्र सरकार होश में आए और जल्द से जल्द इस पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करे और इसको छठी का दूध जो है वो पाकिस्तान को याद कराए, क्योंकि ये पाकिस्तान जूते की भाषा समझने वाला देश है, ये आराम से कभी नहीं समझेगा। इसलिए जल्द से जल्द इसके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो केंद्र सरकार जो है। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, मुझे दीजिए जाना।